उधर कांग्रेस के प्रत्याशियों की अभी तक सूची नहीं आई है। पहली सूची का हालांकि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 120 प्रत्याशियों के नामों की पहली सूची आज जारी हो सकती है। गहलोत समेत प्रमुख नेताओं के नाम पहली सूची में शामिल होंगे। हालांकि पायलट का नाम दूसरी सूची में आने की संभावना है। राहुल की सहमति मिलते ही सूची जारी कर दी जाएगी। पहली सूची में गहलोत के साथ हरीश चौधरी, मेवाराम जैन, भंवरलाल मेघवाल, भंवरलाल शर्मा, गिरिजा व्यास, दीपेंद्र शेखावत, रघु शर्मा, रघुवीर मीणा, प्रताप सिंह खाचरियावास, ब्रजेंद्र ओला, रीटा चौधरी, श्रवण कुमार, राजेंद्र यादव, प्रशांत बैरवा, रामेश्वर डूडी के नाम बताए जा रहे हैं। तो कांग्रेस का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। दो लिस्ट बीजेपी की आ चुकी है, लेकिन कांग्रेस की ओर से अभी तक ऐलान नहीं हुआ। हालांकि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उसमें बड़ा ऐलान कांग्रेस के नेता अशोक गहलोत ने किया है। अशोक गहलोत ने कहा कि वे भी चुनाव लड़ेंगे और सचिन पायलट भी चुनाव लड़ेंगे। इसके बाद इंतजार हो रहा है कि दोनों की सीटें कौन सी होंगी, ये सूची में देखना दिलचस्प होगा। हालांकि सूचना ये मिल रही है कि पहली लिस्ट में अशोक गहलोत का नाम होगा, लेकिन सचिन पायलट को दूसरी लिस्ट में जगह दी जा सकती है। और अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। तो अब तक कयास लगाए जा रहे थे कि शायद गहलोत और पायलट इस बार विधानसभा चुनाव नहीं लड़े, लेकिन दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन अटकलों पर विराम लगा दिया। पहले अशोक गहलोत ने चुनाव लड़ने की घोषणा की और फिर पायलट ने ऐलान करते हुए कहा कि राहुल गांधी के निर्देश पर दोनों चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अभी पायलट की सीट का ऐलान नहीं किया गया है। और हम सब एक मैदान में एक साथ उतर रहे हैं चुनाव के अंदर। चुनाव सचिन पायलट जी भी लड़ेंगे, मैं भी लड़ूंगा, सब लोग चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, अब ठीक है। चुनाव हम सब लड़ेंगे और जो नेता लड़ना चाहेगा सब लड़ो चुनाव। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी के आदेश के बाद और अशोक गहलोत जी के निवेदन के बाद मैं भी चुनाव विधानसभा का लड़ूंगा, गहलोत साहब भी लड़ेंगे और हम सब मिलकर कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत से जिताएंगे। और दिनेश जांगी हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी देंगे। दिनेश, कब तक उम्मीद रखी जाए, पहली सूची कांग्रेस की कब आ सकती है? जी देखिए, आज इंतजार जो है खत्म हो जाएगा, क्योंकि बाकी 25 सीटों को जो पैनल है उनको राहुल गांधी अपनी मंजूरी देंगे। इसके लिए आज एक बार यानी तीसरी बार की केंद्रीय चुनाव समिति की 10 जनपद आवास पर बैठक होगी। दोपहर 3 से 4 बजे ये बैठक होना है। तो उसके बाद जो बाकी बच्चे हरी झंडी दे देंगे और फिर सीएसी की बैठक नहीं होगी। तो कह सकते हैं काफी सुल्तान मशक्कत और मंथन के बाद और 3 बार सीएसी होने के बाद चौथे दिन नामांकन के कांग्रेस अपनी लिस्ट जारी करने जा रही है। तो अब न्याय परिवर्तन है, नामांकन में बहुत कम वक्त बचा, तो ऐसे में लिस्ट जो है काफी बड़ी होगी। बताया जा रहा है 150 से ज्यादा नाम जो है, 180 भी हो सकते हैं, ये पहली सूची में जारी कर दिए जाएंगे। हालांकि अब कैसी शक्ल सूरत इस लिस्ट की हो सकती है, जिस तरह से बीजेपी में हमने देखा है कि कई जो मौजूदा विधायक हैं, मंत्री हैं, उनके नाम काटे हैं, युवाओं को जगह दी गई है, महिलाओं को जगह दी गई है, लेकिन मुस्लिम नेताओं को जगह नहीं मिली है। तो कांग्रेस की कैसी शक्ल सूरत हो सकती है? देखिए, कांग्रेस में ऐसा कुछ है नहीं कि उनके पास ज्यादा विधायक है नहीं। लगभग ये तय हुआ है कि जो तमाम मौजूदा विधायक है उनको टिकट वापस आई पार्टी देने जा रही है। हो सकता है कि 1-2 की परफॉर्मेंस के आधार पर टिकट काट दी जाए। साथ ही जो मुस्लिम बाहुल्य सीट है, कांग्रेस इन पर परंपरागत तरीके से मुस्लिम उम्मीदवारों को मौका देती आई है, क्योंकि कांग्रेस जो है हार्ड कोर हिंदुत्व की लाइन पर कभी नहीं चलती है। उसका राजनीति और कार्यशैली अलग है, तो यहाँ इस तरह का कुछ होने नहीं जा रहा। और अगर जहाँ मुस्लिम का हक है वहाँ कांग्रेस उसको टिकट देने जा रही है। लेकिन अब भी बड़ी होगी क्योंकि काफी देरी हो गई, नामांकन के आज चौथा दिन है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है 150 से ज्यादा अब नाम पहली सूची में है और बताया जा रहा है। दिनेश, क्या अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों के नाम पहली सूची में शामिल हो सकते हैं? जी बिल्कुल, अशोक गहलोत सिद्धार्थपुरा से चुनाव लड़ेंगे और 19 नवंबर को अपना नामांकन दाखिल करेंगे, मैं आपको बता दूंगा। तो जाहिर सी बात है जो बड़े नेता है, मौजूदा विधायक है, उनका पहली सूची में नाम होगा। और अगर लिस्ट बड़ी हुई तो सचिन पायलट का भी नाम जो है पहली सूची में ना डिक्लेयर होने की पूरी पूरी संभावना है। जी, लेकिन दिनेश, एक तरफ जहां बीजेपी ये सवाल पूछ रही है कि हम तो मैदान में आ चुके हैं, विरोधी पार्टी के ना तो सेनापति का पता है और ना ही अभी तक टीम पहुंची है, तो क्या वजह है कि कांग्रेस को इतना समय लग रहा है पहली सूची जारी करने में?
जी देखिए, काफी लंबा प्रोसीजर कांग्रेस ने रहा, नो डाउट देरी से जारी करने से गलत संदेश जा रहा है कि कहीं ना कहीं वास्तव में बड़े नेताओं में खींचतान है जी। और टूटी पायलट और गहलोत की टिकड़ी के चलते कह सकते ये 4 दिन निकल गए, क्योंकि तीन ही नेता अपने अपने चहेतों को टिकट दिलाना चाह रहे थे, जिसमें काफी सहमति बनाने में जोर आया, आला कमान को दखल देना पड़ा, तब जाकर ये मसला सुलझा। तो अब कह सकते हैं कि एक तो 162 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। दिनेश, देखा ये भी जा रहा था कि जो नेता हैं कांग्रेस के, वे पर्चे खरीद के रख रहे हैं, लेकिन अभी तक नामों का ऐलान नहीं हुआ है। यहाँ इतना ज्यादा इंतजार किया जा रहा है समर्थकों और कार्यकर्ताओं में, और जो दावेदारी पेश कर चुके हैं उनमें, जो की लाजमी है, लेकिन अभी तक ऐलान नहीं हुआ। देखिए अनुज, जिनको टिकट मिलने जा रहा है उनको पार्टी नेतृत्व की तरफ से एक इशारा कर दिया गया है और वो अपने अपने फील्ड में पहुंच चुके हैं। दिल्ली में अब जो है जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं उनकी तादाद बहुत कम हो चुकी है। इक्के दुक्के दावेदार और समर्थक जिनको लग रहा है कि शक्ल दिखाने से या कोई और पेंटर आजमाने से टिकट मिल जाए वो या नजर आ रहे हैं, बाकी सब अपने नॉमिनेशन फॉर्म है वो खरीद रहे हैं। और जैसा गहलोत ने बताया कि शुभ मुहूर्त में सब अपना नामांकन दाखिल करना चाहते हैं, तो अधिकतर 16 नवंबर को जो है अपने समर्थकों कार्यकर्ताओं फील्ड में उन्होंने व्हाट्सएप सोशल मीडिया के जरिए मैसेज भेज दिया है कि 16 नवंबर को अपना नामांकन फॉर्म दाखिल करेंगे। तो अब आज ये इंतजार, तो अब नामांकन की तारीखें भी बता दी गई हैं, लेकिन कौन कौन से उम्मीदवार होंगे जो कि नामांकन भर पाएंगे ये पहली सूची में और बाकी की सूची में पता चलेगा। दिनेश, शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए।